सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज युवाओं में इस कदर बढ़ गया है कि अब ये एग्जाम हॉल तक पहुंच गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्नातक पार्ट 2 के एग्जाम के दौरान एग्जाम हॉल से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। दरअसल बिहार के बेगूसराय के एक बड़े कॉलेज में स्नातक के एग्जाम के दौरान एक यूजर ने 14 सेकंड का एग्जाम हॉल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो को अपलोड होते ही 24 घंटे के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। इस वायरल वीडियो ने एग्जाम व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले सप्ताह से बेगूसराय के अंगीकृत कॉलेज में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक का एग्जाम चल रहा है। विश्वविद्यालय का दावा है कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो रही है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया है कि परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल फोन लेकर परीक्षा दे रहे हैं और रील भी बना रहे हैं। लोकल 18 ने जब स्नातक के छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि एग्जाम हॉल में मोबाइल ले जाना आम बात हो गई है और इसकी कोई जांच नहीं होती है। छात्रों ने यह भी कहा कि एग्जामिनेशन सेंटर अब मनोरंजन केंद्र बन गया है। प्रशासन का मानना है कि मैट्रिक की तर्ज पर ही स्नातक के एग्जाम भी कड़े नियमों के तहत होने चाहिए। जैसा कि है कि शिक्षा व्यवस्था इतना लचर हो गई है, खासकर बिहार में, कि मत पूछिए। अभी ग्रेजुएशन की हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहा है, उसमें हम देखे इंस्टाग्राम पे रील्स, बच्चा का क्वेश्चन कॉपी के साथ रील्स। अब समझिए वहाँ पे शिक्षक जो है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर शिक्षक क्या कर रहे हैं। इसमें है क्या कि गेट पे बच्चा जब इन करे, जैसे 10th 12th में देखते हैं हम लोग, पेज तक बच्चा अंदर नहीं ले जा पा रहा, और स्नातक के एग्जाम में बच्चा मोबाइल लेके जा रहे हैं, ब्लूटूथ लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज, सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज प्रशासन अगर इसमें करप्ट होगी, टाइट होगी, तब ये चीज़ बंद होगी। बाहर के वातावरण से ये चीज़ देखने में लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कि अंदर में ठीक ठाक चल रहा है और बाहर आने के बाद देखते हैं रील वगैरह वगैरह ये सब बना हुआ रहता है, जिस तरह से ये दिखावे के लिए मिलते रहता है अक्सर विद्यार्थियों से। जांच होती है बट उतना ढंग से नहीं होते, जिसके कारण बच्चे मोबाइल लेकर चले जाते हैं, जिसके कारण स्पष्ट रूप से उसका जांच हो तो कोई बच्चे डर से नहीं ले, एक दो पकड़ा जाए तो उस पर डर से कोई भी नहीं जाएगी लेकर, इसका कारण जाँच नहीं होने के कारण बच्चे लोग चल जाते हैं। बेगूसराय के इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अब इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लोकल 18 के लिए बेगूसराय से नीरज कुमार की रिपोर्ट।